अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सैनिक स्कूल इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 5 फॉर क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 का ये मॉक टेस्ट है। लास्ट में हमने क्लास 6 का मॉक टेस्ट देखा था। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये मैं पहले रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, ये सेशन लाइव नहीं है। इसको हम ज़रूर ब्रॉडकास्ट करेंगे आप लोगों के लिए, तो एक लाइव जैसा फील आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से प्यार लाइव वीडियोस में देते हैं, आप इसमें भी उसी तरीके के कमेंट्स करें, वैसे ही प्यार दें। और साथ ही साथ जब ये वीडियो ओवर हो जाएगा तो उसके बाद अपने मार्क्स ज़रूर मेंशन करना कि इंग्लिश में आउट ऑफ 25 आपने कितने मार्क्स स्कोर करें, ताकि मैं आपके नाम अगली वीडियो में ज़रूर मेंशन कर सकूँ। ओके, सो आज का सेशन शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि सैनिक स्कूल के एडमिट कार्ड्स डाउनलोड हो रहे हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये थंबनेल आप देख सकते हैं, ये वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। प्लस आरआईएमसी मैथ्स ओलंपियाड का ऑनलाइन कोर्स हमने लॉन्च कर लिया है। जो बच्चे इस बार आरआईएमसी के लिए एस्पायर कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओलंपियाड मैथ्स अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेल कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम आपको एक कोर्स अवेल करवाएंगे, बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास ऑफलाइन या लाइव नहीं आ सकते। बेसिकली लाइव कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज को अवेल नहीं कर सकते, उनके लिए बेसिकली इस कोर्स को हमने डिज़ाइन किया है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो मैं आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको एज सून एज पॉसिबल वाइंड अप करूँ। ओके, और कुछ मेरा इंपॉर्टेंट काम है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं इस तरीके का सेशन आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। मैं चाहता था कि वीडियो मिस ना हो, जो एक कंटिन्यूटी बनी है, जो बच्चों का प्यार हमें देखने को मिल रहा है वो बरकरार रहे। ठीक है, तो मैं प्री रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ और आप जब इसे देखेंगे तो मैं अभी फ़ोन भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी कमेंट्स तो आपके मैं देख भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए आपके, लेकिन जब ये लाइव चल रहा होगा शाम को, जब ये ब्रॉडकास्ट होगा, मैं अगर मीटिंग में भी हूँगा तो मैं वीडियो अपना खोल के देखूँगा। ठीक है, कि बच्चे कितने कॉमेंट्स कर रहे हैं और कितने बच्चे लाइव हैं अभी। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अराउंड 25 क्वेश्चन से 51 to 75 फटाफट से करते हैं। द सिंगुलर ऑफ एजेंडा, ठीक है, तो आप पॉज कर सकते हैं, पहले खुद से आंसर करें फिर पॉज करें, मैं आंसर बता रहा हूँ। एजेंडा का सिंगुलर फॉर्म होता है एजेंडम। ओके, एजेंडम इज द सिंगुलर फॉर्म, देन एजेंडा इज द प्लूरल फॉर्म। ओके, क्योंकि हम एजेंडा यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम, इसलिए एजेंडम आपको याद नहीं रहता। द फेमिनिन जेंडर ऑफ हेड मास्टर, इसका आंसर है हेड मिस्ट्रेस, सी इज द राइट आंसर। दिज आर ऑल सिंपल क्वेश्चन, फेमिनिन फॉर्म, सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको दिया है हु डैश फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मदर इज नॉट एट होम, मतलब जब मम्मी घर में नहीं होती तो कौन खाना बनाता है। ठीक है, तो यूजुअली क्या है ये एक तरीके का हैबिचुअल एक्शन ही तो है, जब मम्मी घर नहीं होती तो कौन बनाता है, तो इसलिए इट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हु कुक्स फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मदर इज नॉट एट होम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या करना है आपने, यू हैव टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो बी क्वाइट, आई सेड टू देम, आई सेड टू का हो जाएगा आई टोल्ड देम, और आई टोल्ड देम एक ही सेंटेंस में सही लग रहा है, आई टोल्ड देम, और फिर हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है, आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, ए इज द राइट आंसर। ओके, 54 का ए, पॉज करके आप जरूर आंसर को मैच करिएगा। चूज द करेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेज, इम्पेरेटिव बनाना है आपने। ठीक है, इम्पेरेटिव का मतलब है जिसमें बेसिकली कोई कमांड ऑर्डर इस तरीके का हो। आई एम नॉट स्लीपिंग बिफोर 11 PM, नहीं लग रहा है, गो एंड ब्रिंग सम एग्स फ्रॉम द मार्केट, बी इज द राइट आंसर, साफ नजर आ रहा है, गो एंड ब्रिंग सम एग्स फ्रॉम द मार्केट। डिड आई से, ये तो नहीं, अलास, ये तो आपका इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू असर्टिव, असर्टिव का मतलब है डिक्लेरेटिव है। ठीक है, असर्टिव का मतलब है बेसिकली पॉजिटिव। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। असर्टिव के अंदर आपका दो सेंटेंस आते हैं बेसिकली, एफर्मेटिव और आपका नेगेटिव, तो कुछ भी हो सकता है। कैन एनी बडी बियर सच एन इंसल्ट, ये तो इंट्रोगेटिव है, इसको हमें चेंज करना है असर्टिव में, तो कैसे हो जाएगा, नो बडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। अच्छा, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वेन एवर वी ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस ना, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो कैन एनी बडी बियर सच एन इंसल्ट, क्या कोई इतनी इंसल्ट बियर कर सकता है कोई, नो बडी कैन बियर, इसका मतलब यही कि कोई नहीं कर सकता भैया, नो बडी कैन बियर सच एन इंसल्ट, ए इज द राइट आंसर। आपने इसको असर्टिव में चेंज कर लिया। ओके, हु विल बियर, तो इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हो आप,
ओके एनी वन कैन बियर सच एन इंसल्ट, ये उसका मीनिंग नहीं है कि कोई भी बियर कर लेगा, ठीक है. कैन एनी बडी, कोई बियर कर सकता है मतलब नहीं कर सकता, ये यही कहना चाह रहा है. ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो. आई लाइक मैंगोज एंड आइसक्रीम्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं आपसे, ठीक है, स्टेटमेंट है आई लाइक मैंगोज एंड आइसक्रीम्स. सी इज द राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट क्लॉज, तो करेक्ट क्लॉज आपने डालना है. चार ऑप्शन दिए, द प्रोफेशनल डैश द प्रोफेशनल हु आएगा, द प्रोफेशनल हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु डजेंट फॉलो एथिक्स cannot be considered a professional. Fill in the blanks with suitable interjection. Dash, you are stepping on my foot. Ouch. B is the right answer. Okay, ye to simple sa hai. Fill in the blanks with correct alternatives. The dash of a snow-clad mountain is exciting. The sight, kaun sa wala sight, nazara, SIGHT wala. C is the right answer. Ninth ki English hai, but simple hai. Simple questions hai. Improve the given underlined part of the sentence given below with the help of alternatives. आपको चार alternatives भी दिए हैं. तो anxiety and other anxiety and other such emotions are known to be unhealthy to the body. ठीक है. तो basically anxiety. अब यहाँ पर आपको basically क्या करना है, you have to improve the given underlined part of the sentence with the help of alternatives. चार alternatives हैं आपके पास यहाँ पर. आपको क्या लगता है anxiety और अदर सच इमोशंस जो बेसिकली नेगेटिव इमोशंस होते हैं, डिप्रेशन एंड ऑल, हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से डैमेजिंग कह सकते हो आप, ठीक है. सी इज द राइट आंसर. हमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बताना है. चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom. एट द 11th आर का मतलब होता है एकदम लास्ट स्टेज में, एट अ लास्ट स्टेज. ए इज द राइट आंसर, एट द 11th आर, एट अ लास्ट स्टेज. फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड. सी इज, ये तो बिल्कुल सही है. सीज, ये भी बिल्कुल सही है. बिसीज, दिस इज रॉन्ग, इसकी स्पेलिंग है बी ई एस आई ई जी ई, बिसीज करना, ठीक है, किसी को घेर लेना बेसिकली. जब आर्मी की ट्रूप्स किसी को घेरते हैं, किसी एरिया को या किसी एनिमी को घेरते हैं, उस समय बिसीज का वर्ड का यूज किया जाता है. बिसीज, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. तो सी इज द राइट आंसर. सी बिल्कुल सही जवाब है, ये रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड है. 63. आप जरूर इन वर्ड्स के मीनिंग देख लीजिएगा और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, इनको कैसे यूज करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं. चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन बिलो. ग्लॉसी का क्या हो जाएगा? ग्लॉसी का तो डल हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. ग्लॉसी मतलब जो शाइन कर रहा है, जिसमें ग्लॉस है उसका उल्टा हो जाएगा डल. चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग. मोमेंटस, मोमेंटस बच्चों को कभी कभी लगता है टेम्परेरी होगा, मोमेंट के लिए हुआ, नहीं. मोमेंटस का मतलब होता है जो कोई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंट होता है. मोमेंटस. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑल्टरनेटिव. इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट, रहीम मे और माइट तो होगा नहीं, रहीम कुड हैव बीन, ठीक है. हार्ट के साथ वुड भी आता है, कुड भी आता है, तो ये वुड वाला, कुड वाला केस है. इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट, अगर मैं साथ में नहीं आता उस वक्त, तो रहीम कुड हैव Be in the one arrested instead of the real thief. ठीक है, अगर मैं उसके साथ में नहीं होता तो रहीम अरेस्ट हो सकता था उसके बदले, रियल थीफ के बदले. Could have been is the right answer. 66. 67 में preposition डालना है आपने. He held dash to the books passionately on in off. Hold on. Hold on का मतलब क्या होता है? Basically किसी चीज़ को continuously करना ना, तो he held on to the books passionately. Okay? A is the right answer. किसी चीज़ पे grasp रखना. Okay? That is hold on. तो ए इज द राइट आंसर. ओके, 67 का ए फ्रेजल वर्ब से है, ध्यान रखना. होल्ड ऑन का मीनिंग ही कुछ और होता है, ठीक है, इट्स अ फ्रेजल वर्ब. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले इज नॉट ईदर, इजंट ईदर. ए इज द राइट आंसर, ठीक है. इन ईदर के साथ नेगेटिव नहीं आता, याद रखना. बात क्या हो रही है, एंड लगाए तो जैसे यहां बात हुई है, वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया, उसी तरीके से बार्ले भी नहीं है, सो बार्ले Isn't either. Question number 69 की तरफ बढ़ते हैं. Fill in the blank with correct tense form. When he died, it is in simple past. When he died, simple past. इसके साथ साथ क्या आता है? Past perfect. When he died, Ramanujan had left 3 notebooks. Okay? Ramanujan had left behind 3 notebooks. Okay? B is the right answer. Action prior to another action in the past. ठीक है, प्रायर एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, फॉलोड बाय सिंपल पास्ट. क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 70 एंड 71 में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देर इज नो एरर मार्क द ऑप्शन डी नो एरर एज योर आंसर। ओके, अगर कोई एरर नहीं है तो हम डी को मार्क करेंगे एज नो एरर। इसमें है, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। बेसिकली जो फॉर्मेट है ना सेंटेंस का, उनको उसको इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन टू लूज। ओके, सेम फॉर्म आपको बेसिकली टू कीप टू लूज। ओके, जीरन फॉर्म नहीं, इन्फिनेटिव फॉर्म आएगा दोनों में। इट इज बेटर टू कीप देन टू लूज। ओके, सो सी पार्ट में एरर है, सी इज द राइट आंसर। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड्स। अकम्पनीड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, सो बेसिकली 71 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विथ की जगह बाय आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 to 75 में एक पैसेज है। ठीक है, और पैसेज क्या है पढ़ लेते हैं। जर्नलिस्ट आर्ग्यू ओवर फंक्शंस ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट वो आर्ग्यू करते हैं कि भैया पेपर का क्या फंक्शन है। आई फील दैट अ प्रोविंशियल पेपर्स पर्पस इज नॉट ओनली टू प्रेजेंट एंड प्रोजेक्ट द न्यूज ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिनेटिवली। वो कह रहा है कि जो टेम्प्रेरी पेपर का पर्पस है या जो मेन पर्पस है आप ही कह सकते हैं, वो सिर्फ लोगों को प्रोजेक्ट प्रेजेंट या न्यूज़ को प्रेजेंट या प्रोजेक्ट करना नहीं है ऑब्जेक्टिवली या इमेजिनेटिवली, बट टू हेल्प इट्स रीडर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स आल्सो मोर इफेक्टिवली, कैनलाइजिंग देयर एस्पिरेशंस एंड मेकिंग मोर आर्टिकुलेट देयर डिमांड्स। ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर का ये भी पर्पस है कि उसमें जो बेसिकली उनके रीडर्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और अपने एस्पिरेशंस को उसमें कैनलाइज कर सकें और अपने कहीं ना कहीं अपने डिमांड्स को रख सकें। न्यूज़पेपर एक माध्यम है उसका। अ न्यूज़पेपर शुड रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी इट सर्व्स वॉट्स एंड ऑल। वॉट्स एंड ऑल का मतलब होता है कि चाहे वो चीज़ अच्छी हो बुरी हो उस चीज़ को दिखाना। ठीक है, उन सारी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं जो कुछ बुरी भी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। तो बेसिकली न्यूज़पेपर में क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक कम्युनिटी की सारी अच्छाई और बुराई हर चीज़ होनी चाहिए उसमें न्यूज़पेपर में। वेन द मिरर इज हेल्ड टू सोसाइटी इट रिवील्स नेग्लेक्ट इनजस्टिस इग्नोरेंस एंड कम्प्लेसेंसी। ठीक है, बेसिकली वेन द मिरर इज हेल्ड टू सोसाइटी, ओके, तो क्या रिवील होता है, क्या खुलासा होता है, नेग्लेक्ट इनजस्टिस इग्नोरेंस और कम्प्लेसेंसी, ये सारी चीज़ें रिवील होती हैं बेसिकली। इट शुड हेल्प टू इरैडिकेट देम, और कहीं ना कहीं इसकी मदद से हमें इन सबको, हम ये सारी चीज़ें जो एक सोसाइटी से निकल के आती है इसको हम रेडिकेट कर सकते हैं इसकी मदद से। इट वुड बी प्रिटेंशियस टू थिंक दैट अ न्यूज़पेपर कैन चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ओके, बट एट द लोकल लिमिट इट कैन एग्जर्ट इन्फ्लुएंस। ओके, तो बेसिकली इट कैन प्रोब, इट कैन हेल्प गेट थिंग्स डन एंड द इंडिविजुअल्स वॉइस मस्ट नॉट बी स्टिफल्ड, इंस्टेड द रीडर्स शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर ऑप्शंस, सॉरी देयर ओपिनियंस, फियर्स, होप्स और देयर ग्रीवेंसेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का काम ये भी है ताकि लोग अपनी ग्रीवेंसेज, शिकायतें, अपना डर, अपनी होप्स सारे ये एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो अच्छा पैसेज है न्यूज़पेपर के फंक्शन के बारे में बताया। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आपको बताना है, प्रोजेक्ट न्यूज़ ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिनेटिवली टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ ब्लंट वे, एनकरेज द रीडर्स टू बी प्रिटेंशियस, एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन द इंडिविजुअल्स। तो उसके अकॉर्डिंगली, वैसे तो ऐसा रीडर नहीं चाहता लेकिन बेसिकली न्यूज़पेपर्स करते क्या है, उनका मेन पर्पस क्या रहता है, आपको ऑब्जेक्टिवली और इमेजिनेटिवली न्यूज़ को प्रोजेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं, हाउ कैन अ न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस लोकल अफेयर्स। लोकल अफेयर्स को कैसे करेगा, बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू हाफ ट्रूथ्स, नहीं, द फोकसिंग ऑन वर्ल्ड अफेयर्स बाय प्रोबिंग इनटू द इल्स ऑफ सोसाइटी। इल्स नहीं बेटा, इल्स ऑफ सोसाइटी एंड रेलिंग सपोर्ट फॉर चेंज। ये तो सारे इल्स ऑफ सोसाइटी हैं, ये जो हम देख रहे थे, नेग्लेक्ट, इनजस्टिस, इग्नोरेंस, दिस आर ऑल द इल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 है, हाउ कैन द रीडर्स एयर देयर ग्रीवेंसेस, कैसे अपने ग्रीवेंसेस करेंगे, बाय राइटिंग टू द लोकल न्यूज़पेपर्स, बाय राइटिंग टू जर्नलिस्ट, बाय सपोर्टिंग द लोकल न्यूज़पेपर्स, बाय बीइंग कंप्लेसेंट। तो क्या लगता है आपको, बाय राइटिंग टू द लोकल न्यूज़पेपर्स। देखिए इस वाले में अगर आप फोकस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि इट कैन प्रोब, बेसिकली इंस्टेड द रीडर्स शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, फियर्स एंड ग्रीवेंसेज ऑन इन दिस प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली
वो क्या करेंगे, बाय राइटिंग टू देयर लोकल न्यूज़पेपर्स, अपने लोकल न्यूज़पेपर्स में तो वो लिखेंगे अपनी शिकायतें एंड ऑल, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एक्सप्रेशन वॉट्स एंड ऑल, मैंने अभी बताया था वॉट्स एंड ऑल का मतलब है सभी पहलू, सारे बुरी चीज़ें एंड ऑल, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, द रीडर्स ग्रीवेंसेज नहीं, द कम्युनिटीज प्रॉब्लम नहीं, होप्स एंड फियर्स नहीं, विथ नो अटेम्प्ट टू कंसील ब्लेमिशेज और इनएडिक्वेसीज, मतलब बिना किसी अटेम्प्ट के आप कुछ चीज़ छुपाएंगे नहीं, जो बुरी चीज़ें हैं उनको भी दिखाएंगे सोसाइटी की। सो डी इज़ द राइट आंसर, ओके। तो आई होप, देखिए हमने तो बहुत जल्दी इस सेशन को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने ज़रूर इस सेशन को पॉज करके देखा होगा, और पॉज करने के बाद देन आपने देखा होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फाइनली ऑल द बेस्ट कहूँगा सभी सैनिक स्कूल के एस्पिरेंट से, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स दिस आर द गिवन नंबर्स, इन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम से हमसे ज़रूर जुड़िए, सारे लिंक्स हम आपको टेलीग्राम भेजते हैं, @DOADDN सर्च करना है टेलीग्राम में, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप हमें ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर यू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, खासकर एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एडमिट कार्ड्स या एग्ज़ाम से रिलेटेड आती है वो सारी हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में भी डालते हैं, और साथ ही साथ आपको एकेडमी की भी के बारे में भी अवेयर करते हैं कि कब हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हमने क्या नई चीज़ें लॉन्च करी। उसके अलावा डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी की वेबसाइट विजिट करना ना भूलें, वेबसाइट में भी आपको अपडेट्स मिल सकते हैं, वेबसाइट में साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट PDFs देखने को मिलेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, उनको यूज़ कर सकते हैं, खासकर GK के केस में, और इंग्लिश का जो स्टैटिक पोर्शन है, वोकैबुलरी वाला पोर्शन, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज आर्म्ड फोर्सेस को लेकर और अच्छी होगी, और वो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा, ठीक है। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि आपसे एक छोटा कॉन्वर्सेशन कर ले सैनिक स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है। तो वहाँ पर इट विल बी अ काइंड ऑफ इंटरव्यू ओनली, वैसे RMS और RIMC में तो प्रॉपर इंटरव्यूज़ होते ही हैं, ओके। तो चलिए इसे नोट के साथ आज के सेशन को करता हूँ यहीं पर वाइंड, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक ले बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।